नमस्कार, मैं रुबीना सैफी। आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज। सबसे तेज, सबसे आगे। पुलवामा में हुए हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ मनाया गया वार्षिक उत्सव। फतेहगंज पश्चिमी कस्बे में बिटोरा गांव में स्थित प्रीति पेटल्स किड्स जोन स्कूल में डिप्टी कमांडर राकेश कुमार, अमित सिरोही, सूबेदार मेजर 114 बटालियन, अधीश शासी अधिकारी आशुतोष त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से माँ सरस्वती माँ की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इसके बाद बच्चों व शिक्षकों और अतिथियों अभिभावकों ने पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी दौरान विद्यालय की छात्रा आरुषि सिंह, दीक्षा कुमारी, खुशी स्वाति गंगवार, सौम्या गुप्ता व सहेलियों ने माँ सरस्वती शादे व स्वागत करते तुम्हारा गीत प्रस्तुत कर सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत की। और मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ स्कूल के प्रबंधकों को, जिन्होंने हमको मौका दिया इस प्रोग्राम में आने का और एक सम्मान हमको दिया है। इन छोटे छोटे बच्चों को देख करके मुझे अपना बचपन याद आ गया। वैसे तो काम में इतनी बिजी रहते हैं कि पता नहीं लगता कब टाइम निकल गया, लेकिन इस स्कूल में आकर के आज मुझे अपने बचपन की कुछ बातें यहाँ बैठे बैठे याद आ गई। बच्चे जो हमारे देश का भविष्य हैं, आज ये कच्ची मिट्टी के समान है एक प्रकार से, और ये अध्यापकगण है जो इस कच्ची मिट्टी को कोई न कोई रूप देंगे, आकार देंगे, इनको एक गढ़ा बनाएंगे और हमारे देश की सेवा में समर्पित करेंगे। ये अध्यापकगण ही हैं, इनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यही बच्चे आगे चल करके कोई देश के सुरक्षा बल में सेवा देगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई टीचर होगा, तो ये अध्यापक गणों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस चीज़ की, और वे धन्यवाद के पात्र हैं, सम्मान के पात्र हैं वो, कि वो बच्चों का भविष्य तैयार करने में इतनी मेहनत करते हैं। साथ ही माता पिता भी इस काम में जो सहयोग करते हैं टीचरों का, वो भी धन्यवाद के ही पात्र हैं, सम्मान के पात्र हैं। इन बच्चों का ये रंग बिरंगा छोटा सा प्रोग्राम देख करके, और जो इन्होंने शहीद भगत सिंह का एक प्रोग्राम प्रस्तुत करके जो शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, वो काबिले तारीफ है। धन्य है वो माता पिता, धन्य है वो भाई बहन, धन्य है वो धरती जो ऐसे सपूतों को अपने देश के लिए कुर्बान करने के लिए या देश के ऊपर शहीद होने के लिए देश को समर्पित कर देते हैं। सम्मान के योग्य हैं वो लोग, वो माता पिता, और ये देश, भारत देश, और हम सभी भारतवासी उन माता पिताओं के कर्जदार हैं, उन शहीदों के कर्जदार हैं जिनकी वजह से आज हम इस स्थान पर सुरक्षित खड़े हुए हैं। तो ज्यादा कुछ न बोल करके स्कूल के स्टाफ को, अभिभावकों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से कि जो आपने हमें ये सम्मान दिया है।